रतलाम और झाबुआ लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी अलर्ट मोड पर है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके कांतिलाल भूरिया इस सीट से कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी माने जा रहे हैं, जिसका इशारा खुद उन्होंने भी किया है। दरअसल भूरिया रतलाम और झाबुआ जिले में लगातार बैठके ले रहे हैं। शुक्रवार को उनसे पूछा गया कि रतलाम लोकसभा सीट पर कांग्रेस की तरफ से संभावित प्रत्याशी कौन होगा, तो उन्होंने खुद के चेहरा होने का इशारा किया है। भूरिया ने कहा, लोकसभा चुनाव के लिए हमारी तैयारियां पूरी हैं और पार्टी टिकट देगी तो चुनाव जरूर लड़ेंगे। खुद की ओर इशारा किया और मुस्कुराते हुए कह दिया कि सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, आपके सामने चेहरा है। बता दें, कांतिलाल भूरिया लोकसभा चुनाव के साथ साथ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों में भी जुटे हैं। जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा और भाजपा की जो नफरत की दुकानें हैं, वो नफरत की दुकान उखाड़ के प्यार की, मोहब्बत की दुकानें लगाने के लिए राहुल जी आ रहे हैं। हमारी पूरी तैयारी चल रही है, हम लोग सब मैदान में है। हाई कमान टिकट लेगी तो हम लोग तो लड़ेंगे। वो तो चेहरा आपको मालूम है, जैसे आपको मालूम है चेहरा कौन कौन क्या, वहाँ के लोग भी जान रहे हैं, तो सब वो तो सामने है।